टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशानुसार गांधी चौराहा शाम को दो पहिया वाहन की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 20 लोगों के चालान काटे गए। पुलिस सूबेदार उत्तम सिंह वे सिल धुलैया वे यातायात थाना प्रभारी द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले हेलमेट लगाएं, दो लोग से तीसरा ना बैठाए। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार शहर की सभी जगह पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और लगातार जारी रहेगी। टीकमगढ़ से सुरेश प्रभाकर, MP न्यूज़ कास्ट। जनता को जागरूक किया है कि हेलमेट लगाएं, और उसके बारे में आपने लिखा भी था, और तब भी यहाँ टीकमगढ़ जनता मान नहीं रही है, उसके बारे में क्या कहते हैं? यातायात थाना समय समय पे जागरूकता अभियान चलाता है, यातायात नियमों की जानकारी देता है, और आम जनता को भी इसको मानना चाहिए। हमारा काम जागरूकता देना है, बाकी उस पर अमल करना उस व्यक्ति का अधिकार है, उसको करना चाहिए, क्योंकि नियम के पालन ना करना का उद्देश्य केवल रसीद काटना ही नहीं है, कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो है निजी जीवन है वो भी खतरे में हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है बिना हेलमेट के। कई बार कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कोमा में दो दो महीने तक नहीं उठते हैं, तो तब पता चलता है हेलमेट की अहमियत क्या है, या फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट की अहमियत क्या है। तो हम क्या डीपली समझाते हैं लोगों को कि भविष्य में रसीद कटाना ही ये नहीं है कि आपकी रसीद कट गई तो आप पे जुर्माना हो गया तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को जागरूक भी करना, रसीद भी काटना वो एक पार्ट है और उसको भी हम करते हैं, बाकी लोगों को जागरूक भी करते हैं, रसीद काटने के बाद भी समझाते हैं कि भविष्य में आप हेलमेट लगा के चलो जिससे आपका चालान ना हो। चालान होना ही नहीं है, कम से कम आपका एक्सीडेंट यदि हो जाए तो कम से कम आप सुरक्षित तो रह सकते हैं। व्यक्ति का हाथ पैर कट जाए तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ब्रेन डेड हो जाए तो साइकिल नहीं मेरी क्या मौका यही सब है, जागरूकता देते रहते हैं। सर जो चालान किया है वो हेलमेट के अलावा किया है क्या, गाड़ी की फिटनेस की ओर नहीं? इसमें चालान जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई धाराएं हैं, जैसे नंबर प्लेट नहीं है, सर्च लाइट है, मोटरसाइकिल पे यहाँ अपने गांधी चौराहे में देखे हैं कि तीन सवारी लोग चल रहे थे उनको है, हेलमेट है, और भी हैं कई तरह के चालान तो बहुत होते हैं, क्योंकि अभी शहरी क्षेत्र में है तो यहाँ ओवरलोडिंग वगैरह नहीं होती, नहीं तो वो भी चालान होते हैं जैसे हाईवे वगैरह पे। अभी जो चालान वो हेलमेट को लेकर ही, हेलमेट को लेके मोबाइल फ़ोन पे बात करते समय या तीन सवारी बैठ जी। सर आप कोई पब्लिक के लिए मैसेज देना क्या? मैसेज जनता को यही कहना चाहूँगा कि पहले आप सुरक्षित रहिए। मैंने लोगों को समझाया है कि आप हेलमेट लगा के, मैं चेकिंग लगाता हूँ, हेलमेट लगाए वाले आदमी को मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, तो कई लोग उसका पालन कर रहे हैं। पहले तो टीकमगढ़ में लोग बिल्कुल नहीं लगाते थे हेलमेट, 20% लोग लगाने लगे हैं समझाने के बाद, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, कम से कम अपने जीवन के प्रति जागरूक होना चाहिए। भले ही मैं रसीद ना काटूँ छोड़ दूँ वो एक अलग इशू है, बट जीवन जो है बहुत अमूल्य है, तो उसका कम से कम जो अभी जो एक्चुअली क्या है, जो केंद्र सरकार ने अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो नया संशोधन किया जिसमें जुर्माने भी बढ़ाए हैं, कुछ नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी लाई है ताकि आम जनता को जो एक नेगेटिव मैसेज है पुलिस का वो ना रहे। अभी जैसे कोई आदमी पहले हार्ड कॉपी नहीं रखता था, हम उसके मोबाइल पर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यदि उसके पास कागज है, उसने मोबाइल पर दिखाया, स्क्रूटनी की, वेरीफाई किया कि वो सही है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। कम से कम उसको ये ना लगे कि हमको ये सिर्फ परेशान कर रहे हैं। तो ये है दूसरा बिंदु जो आपने बताया कि और स्टेटों में लागू हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है उसको पावर है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 201 के तहत, तो उसमें राज्य सरकार चाहे तो जुर्माने को कम कर सकती है, जुर्माने को बढ़ा सकती है, वो राज्य सरकार का है। अभी राज्य शासन ने भी इस संबंध में निर्णय नहीं लिया है, अभी तक ये खबर है शायद नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक लिखित में उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं आता है और पुलिस मुख्यालय द्वारा जब तक आदेश नहीं किया जाता था, तब तक हम पुराने ही जो बजट है उसी के